जीवन का सार बना, मुश्किलों की परवाह ना करते हुए अपने जुझारूपन, अपनी ईमानदारी के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अपने विचारों को हमसे साझा कर हमारी हौसला अफजाई करें। प्लीज सर। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, खासतौर से सभी अध्यापकों को तहे दिल से प्रणाम। आज की शाम ये अवार्ड्स नाइट वाकई बहुत इमोशनल थी फॉर मेनी रीजंस। सबसे पहले आप लोगों को आज टीचर्स डे की अध्यापक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिन टीचर्स को आज अवार्ड्स मिले उन टीचर्स को मैं सल्यूट करता हूँ, उन टीचर्स को मैं बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से आप हमारे बच्चों को आगे खूब मेहनत करके पढ़ाते रहिए। जब अभी हम स्टेज पे खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे थे तो एक दिल में ये भावना आ रही थी कि हम सम्मान उनका कर रहे हैं या सम्मान एक तरह से हमारा हो रहा है जिन लोगों ने इतना अच्छा काम करके अध्यापक जगत में काम करके दिखाया। हमारे लिए गौरव की बात था, हमारे लिए गौरव की बात थी हम इतने अच्छे अच्छे लोगों को आज सम्मान करने का मौका मिला। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को वहां के लोग बनाते हैं और लोगों को अध्यापक बनाते हैं। हम लोग कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उस भविष्य का निर्माण अध्यापक करते हैं। तो एक तरह से अध्यापकों के हाथ में किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश के भविष्य की चाबी होती है और जो राष्ट्र, जो देश अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करता उस देश का भविष्य कभी अच्छा हो नहीं सकता। आप इतिहास उठा के देखिए हमारे भारत का, पुराने जमाने में अध्यापकों को इतनी इज्जत मिलती थी, पूरे समाज के अंदर अगर कोई एक वर्ग था जिससे राजा भी डरता था वो था गुरु। गुरु से राजा भी डरता था, गुरु से सारी सरकार डरती थी, गुरु से सारा समाज सबकी इनकी इज्जत करता था। और मैं इतिहास पढ़ रहा था मैकॉले के पहले तक, मैकॉले ने तो अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम लागू किया लेकिन मैकॉले के पहले तक इस देश के हर गांव के अंदर स्कूल होता था और जितने अध्यापक होते थे, जो गुरु होते थे, उनका जो मान समाज के अंदर होता था वो मैकॉले ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम ला के खड़ा कर दिया कि धीरे 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 करके आज अध्यापकों का वो सम्मान नहीं बचा जो सम्मान के हकदार है। आप दुनिया का कोई भी विकसित देश उठा के देख लीजिए, कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसका शिक्षा एजुकेशन सिस्टम जब तक ठीक नहीं हो, जब तक अध्यापकों की वहां पर इज्जत नहीं हो। पिछले 2.5 साल के अंदर जब से हमारी सरकार आई है हमने अध्यापकों को वो सम्मान देने की कोशिश की है छोटे छोटे कदम उठाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बदल गया है लेकिन पिछले 2.5 साल के अंदर जो कदम उठाए गए हैं वही अध्यापक हैं। हमने कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों के टीचर्स बदल दिए, हमने ऐसा नहीं किया कि सारे प्रिंसिपल्स बदल दिए, वाइस प्रिंसिपल्स बदल दिए, वही अध्यापक है, वही हेड ऑफ स्कूल है, वही प्रिंसिपल्स है। उनको इज्जत देनी शुरू कर दिया, हम लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दिया। यस वी कैन, हम कर सकते हैं। यही अध्यापकों को, टीचर्स को जब कैम्ब्रिज में आए, अहमदाबाद में आए, लखनऊ में, लंदन में, अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वो वापस एक कॉन्फिडेंस के साथ आए कि अभी एक सरकार आई है जो हमारी इज्जत करती है और जिसने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं केवल ये कह सकता हूँ प्राउड ऑफ यू, हमें गर्व है आप।
एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय हार्ट, आज जो कुछ भी शिक्षा के अंदर बदलाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा, पैसा देना तो बड़ी आसान बात थी हमारे लिए, लेकिन जो आपने कर दिखाया उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम भी बदला जा सकता है। और एक ही ख्वाहिश है हमारी कि जैसे पुराने जमाने के अंदर गुरु को और शिक्षक को समाज के सारे प्रोफेशंस में सबसे ऊंचा दर्जा मिलता था, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर आप सब लोगों को ऐसा दर्जा मिलेगा कि सारे अफसरों के ऊपर, सारे प्रोफेशन के ऊपर हमारे शिक्षक मान जाएंगे। मेरी जिंदगी में जितने शिक्षक आए, फॉर्मल टीचिंग में, इनफॉर्मली, आज टीचर्स डे पे मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, सभी दिल्ली के टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ, सभी देश के टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ, दुनिया के सभी टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए दोबारा बजा दीजिए। इतना अच्छा लगा इन सब बच्चों की एंकरिंग देख के और इन सब बच्चों को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की तालियां से बनाया है। और आज ये शाम और आज की सारी कार्रवाई को देख के लगता है कि देश अच्छे और मजबूत हाथों के अंदर है। आप सब लोग इस देश को बचा के रखेंगे, आप सब लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।